सो गाइस आप देख सकते हैं कि साबूदाना के पापड़ सूख चुके हैं। सूखने के बाद इसको मैंने 2-3 दिन समथिंग मैंने धूप में सुखाए हैं, और क्योंकि ये मोटे होते हैं गाइस ये दाने इसके, तो इसलिए थोड़ा टाइम लगता है। 3 दिन के बाद ये परफेक्ट सूख जाते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं कि सूखने के बाद कितने अच्छे हुए हैं, खरा रहे हैं, क्योंकि कटरहट से आप पता चल सकता है कि हाँ कितने बढ़िया बने हैं। तो गाइस अब इसके पापड़ को क्या करेंगे, तलेंगे। तलने के लिए चलेंगे गैस की तरफ और बनाएंगे साबूदाना के तले हुए पापड़। तो गाइस गैस को ऑन करेंगे, इस पर आप कढ़ाई रखिएगा या मोटी लेयर का नॉन स्टिक फ्लेम मैंने रखा है, और इसमें ऑयल डाला है, ऑयल गर्म हो रहा है, और गर्म उस क्वांटिटी पे करना है कि हाई फ्लेम पर करना है। साबूदाना का पापड़ तलने के लिए गाइस इसका ध्यान दीजिएगा, और लो फ्लेम पर बिल्कुल भी नहीं तलिएगा, ज़्यादा टेम्परेचर का गर्म हो जाएगा। बनाते हैं झटपट साबूदाना के पापड़ तलेंगे। तो गाइस ऑयल गर्म हो गया है, सुबह ऑयल गर्म हो गया है, अब इसमें डालेंगे साबूदाना का पापड़ और इसको बीच में करछी से दबा देंगे। क्योंकि इसमें छीट टूटती है, बहुत सावधानी से तलिएगा और फिर इसको पलट के इस तरीके से दबा देंगे। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया पापड़ तल के तैयार हुआ है। तो गाइस आप सभी को होली की बहुत 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 शुभकामनाएं, और खाइएगा साबूदाना के पापड़ तले हुए, आलू के पापड़। तो गाइस साबूदाना के इस तरीके से तल लिए मैंने, दूसरा डाल देंगे। और इसको दबाएंगे इस तरीके से, तो गाइस बन गया है पापड़। इसी तरीके से गाइस आप तल सकते हैं साबूदाना के पापड़, इसी तरीके से सारे जितने पापड़ अवेलेबल हों आपके पास, जितने गैस डाल हों, जितना आप खाना चाहें तो उतने ही तलिएगा। आलू के पापड़ गाइस तलने के लिए गैस को लो फ्लेम पर करना पड़ता है, और ये है आलू का पापड़ जो मैंने बनाया था। आप नेक्स्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं कि आलू पापड़ मैंने किस तरीके से बनाए थे, और इसको यूँ करके डालेंगे वो लो फ्लेम पर, और इसको इस तरीके से हिलाएंगे, हटा देंगे और इसको खड़ा करके रख देंगे ताकि इसके ऑयल निकल जाए आलू को, फिर इसको भी निकाल लेंगे। आलू के पापड़ गैस लो फ्लेम पर होकर तले जाते हैं। तो गाइस साबूदाना के जो पापड़ हैं जो मैंने बनाए थे, तो वो मैंने तल लिए हैं। अभी आपने देखे होंगे गाइस किस तरीके से तलते हैं साबूदाना के और आलू के पापड़। साबूदाना के प्रोसेस होता है हाई फ्लेम में और लो फ्लेम में, ये आलू के पापड़। तो गाइस इस तरीके से मैंने साबूदाना के पापड़ तल के तैयार कर लिए हैं। आप देख सकते हैं कितने सफ़ेद बने हैं, कितने बढ़िया बने हैं, देखते मुँह पानी आ रहा है। और गाइस चाय के साथ खाइएगा, और आपके घर कोई गेस्ट आए उनको खिलाइएगा साबूदाना के पापड़। तो गाइस आपको साबूदाना के पापड़ की रेसिपी कैसी लगी, और ये रहे गाइस आलू के पापड़ जो मैंने, आप नेक्स्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं कि आलू के पापड़ किस तरीके से बनाए मैंने। बहुत ही बढ़िया लगते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं, और इस तरीके से आप तलिएगा। तलना मैंने नेक्स्ट वीडियो में नहीं दिखाया था शायद, तो इसलिए मैंने इस वीडियो में आपको डाल दिया है कि आलू के पापड़ किस तरीके से तलना चाहिए। तो गाइस इस तरीके से मैंने आलू के पापड़ तैयार कर लिए। तो गाइस ये रहे साबूदाना के आलू के पापड़, और ये रहे साबूदाना के पापड़। तो गाइस साबूदाना की वीडियो की रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा ताकि मैं आगे बढ़ूँ। और आप मेरे कम्युनिटी बॉक्स में मैं शॉर्ट्स की वीडियो डालती हूँ, जिसमें मैंने शॉर्ट्स के चैनल बनाया है, तो उसमें भी मैं डालती हूँ वीडियो शॉर्ट्स वाली, तो उसमें भी जाके मेरे चैनल को देखिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और खाइएगा आलू के पापड़ और साबूदाना के पापड़। तो गाइस थैंक यू, बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।